नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13, 14 और 15 सितंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी सातवीं राशि तुला राशि। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड अपीयर हुआ है फाइव ऑफ द पेंटिकल्स का और तीसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेग ऑफ द पेंटिकल्स का। तो तुला राशि, आपके लिए 13 तारीख का जो दिन है, इस दिन बहुत ही सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं दूर का कोई व्यक्ति, आपका मित्र या रिलेटिव आपसे मिलने भी आ सकते हैं या आपकी अपने शहर से बाहर की यात्रा भी हो सकती है। दोनों ही सूरतों में फायदा आपका रहेगा। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी 13 सितंबर को ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़ा सा स्वार्थी बने रहें। आप अगर थोड़ा सा स्वार्थी बने रहते हैं तो यकीन मानिए आपका फायदा जरूर होगा। अपने फायदे के लिए किसी का इंटेंशनली नुकसान मत करिएगा, लेकिन अगर आपका फायदा हो रहा है अपने आप और किसी को छोटे मोटे नुकसान हो रहे हैं तो ज्यादा परवाह भी मत करिएगा। 14 तारीख के दिन धन को लेकर के सावधान रहिए। आपके पास से धन निकल सकता है या लोग आपको उधार दे सकते हैं जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाएं। यानी आप 14 तारीख को ऐसा लोन भी ले सकते हैं जो लोन ना चुका पाए भविष्य में। तो धन को लेकर के सावधान रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। पारिवारिक संबंधों में अगर कुछ तनाव चल रहा है तो उस तनाव में भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि आपकी ओर से कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपके पारिवारिक संबंध या मित्रता के संबंध और बिगड़ जाएं। 15 तारीख का जो दिन होगा, इस दिन आप अपने आप में एक ऊर्जा अनुभव करेंगे। इस दिन आप देखेंगे कि आपके पास कुछ योजनाएं हैं, जिन योजनाओं पर अगर आप सही ढंग से काम करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। लेकिन उन योजनाओं पर काम करने से पहले उन योजनाओं को थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत होगी। अगर आपने अपनी योजनाओं को थोड़ा सा रिफाइन किया, उनको पॉलिश किया, तो उन पर काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 15 तारीख का जो दिन है, इस दिन परिवार में आपका जो सम्मान है उस सम्मान में हालांकि वृद्धि तो नहीं होगी, लेकिन आपकी किसी एक बात को अपरिपक्वता के दायरे में रख करके आपको निराश किया जा सकता है। तो किसी को भी अपनी योजना बताने से पहले, भले ही वो आपके परिवार का हो, थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल ये तीनों दिन आपके लिए ठीक ठाक हैं। केवल 14 तारीख का दिन आपके लिए धन को लेकर के समस्या पूर्ण रहेगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए 13 तारीख का दिन सबसे सुखद रहेगा। इस दिन आप अपने प्रेमी के साथ मिल भी सकते हैं और अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी समस्या पर विचार करके उसमें से बाहर निकल सकते हैं। 14 तारीख जैसा कि मैंने बताया बढ़िया नहीं है। 15 तारीख का दिन भी आपके लिए अच्छा ही है। तो दोस्तों, ये था राशिफल 13, 14 और 15 सितंबर के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार।